बाली के दामाद कुंभकर्ण की कितनी पत्नियां थी। रावण के महाबली भाई कुंभकर्ण को अगर 6 महीने सोते रहने का श्राप ना मिला होता तो शायद रामायण की कहानी कुछ अलग होती। कुंभकर्ण अपने पिता ऋषि विसर्वा की तरह ही महाज्ञानी और धर्मज्ञाता था। उसने रावण को भी समझाया था कि सीता एक अधर्म कृत है। कुंभकर्ण साल के 6 महीने सोता और 1 दिन जागता, उसी दिन भी खा पी कर फिर सो जाता। कुंभकर्ण के बारे में लोग बस इतना ही जानते हैं जितना रामानंद सागर के मशहूर टीवी शो रामायण में दिखाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कुंभकर्ण किष्किंधा के राजा बलि का दामाद था? रिश्ते में कुंभकर्ण राजा सुग्रीव का दामाद भी लगता था। पौराणिक के कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण की शादी बलि की बेटी ब्रजवाला से हुई थी। इसके अलावा उसकी 2 पत्नियां करकटी और तरिमाला थी। ग्रंथों में ऐसा जिक्र है कि ब्रजवाला से कुंभकर्ण के 2 बेटे हुए, कुंभ और निकम। दोनों ने पिता की तरह ही महाबली राक्षस थे। वहीं करकटी से कुंभकर्ण को पुत्र भीमासरु मिला। भगवान शंकर ने उसे युद्ध में भस्म कर दिया था, जहां आज प्रसिद्ध भीमाशंकर मंदिर भी है। तीसरी पत्नी तरिमाला से कुंभकर्ण को पुत्र मुल्कासुर मिला, जिसका धार्मिक ग्रंथों में ज्यादा जिक्र नहीं है।